नूरपुर क्षेत्र की चक्की खड़ में रात्रि को अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिस कारण खन्नी व आसपास के गांव वाले काफी परेशान हैं। गांव वाले इस समस्या को लेकर कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दे चुके हैं और सारी समस्या को लेकर एसडीएम नूरपुर से भी मुलाकात कर चुके हैं। गांव के पूर्व प्रधान होशियार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम नूरपुर के माध्यम से अवैध खनन को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जो कि अवैध लोग चक्की खड टिक्का पेल मौजा खन्नी में रात्रि को अवैध खनन कर रहे हैं। इसके लिए एसडीएम नूरपुर व डीएसपी नूरपुर ने पूरा आश्वासन दिया था, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम और डीएसपी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जा रही है, आगे भी उम्मीद जताई कि ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। वहीं पिछली रात को जब गांव वालों ने फोन किया तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन खनन माफिया ने रास्ता बंद कर रखा था, जिस कारण वे भागने में कामयाब हो गए। होशियार सिंह ने माइनिंग विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि माइनिंग विभाग सोया है, जो कि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है। एसडीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था अवैध खनन के लिए, जो कि कुछ अवैध लोग जो है वहाँ चक्की खट टीका प्याल मोजा खन्नी में रात का अंधेरा होते ही अवैध खनन करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमें एसडीएम महोदय ने और डीएसपी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया था कि इनके पर सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे, और मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि एसडीएम साहब और डीएसपी साहब के माध्यम से जहां वहां पर जो सख्त सख्त कार्रवाई हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी साहब इस कार्रवाई को लगातार जारी रखें। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात की बात, जैसे हमने एसडीएम साहब को डीएसपी साहब को फोन किया था, तुरंत इन्होंने पुलिस भेजी, लेकिन खनन माफिया ने रास्ते ऐसे ढंग से रोक दिए कि फिर वो भागने में कामयाब हुए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि नूरपुर के एसडीएम साहब और डीएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन एक विभाग जो जिसकी जिम्मेवारी है मैंने विभाग की, वो मैं भी अपनी एक वो है कि वो जरूर कोई ना कोई मिली भगत हो सकती है या कुछ भी, जो कभी भी चक्की खाट के अंदर आकर के माइनिंग की जो अनलीगल माइनिंग हो रही है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जो मेरी आपसे आपके माध्यम से मांग है कि वो माइनिंग विभाग जो सोया हुआ कहाँ बैठे हैं, वो उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारी को निभाए और वहां पर जो अनलीगल माइनिंग हो रही है उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करे। डीएसपी नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि हमारे विभाग को जैसे ही शिकायत मिली है, चाहे वो दिन हो या रात, उसी समय टीम रवाना हो गई थी जहां पर खनन हो रहा है। अगर मौके पर टिप्पर या जेसीबी मिलती है तो नियम अनुसार चलान किया जाएगा। वहीं नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पिछले कल पुलिस की टीम भेजी थी और वहां का निरीक्षण करवाया गया। चक्की खड में जितने भी स्टोन क्रशर हैं उनके साथ बैठक हुई है और जो शिकायतकर्ता गांव के लोग हैं उनके साथ भी बैठक हुई है। इसमें कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम इकट्ठा निरीक्षण करेंगे पुलिस विभाग माइनिंग विभाग के साथ, निरीक्षण के बाद ही सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, इसमें अपने विभाग की मैं आपको बात बता सकता हूँ कि हमारे विभाग को जैसे कोई शिकायत मिलती है, चाहे वो शिकायत दिन में मिले चाहे वो शिकायत रात को मिले, मुझे भी पर्सनली फोन आते हैं, दिन में आए रात को आए, जैसे ही हमें शिकायत मिलती है वैसे ही तुरंत हम अपनी टीम जो है जहाँ पे खनन हो रहा होता है वहाँ पे अपनी टीम भेजते हैं। और अगर कोई मौके पे हमें टिप्पर या मौके पे जेसीबी लगी मिलती है तो उसकी नियमानुसार उसका चलान किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है।